सारे हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अम्बेडकर की मौत के बाद जिनके पीछे खड़ा रहेगा, किसान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। राज्यपाल हमारे लीडर है, आप हट जाओ, कुछ नहीं है, अभी कर लेंगे जो भी है। आप शांति से हट के यहाँ पे आप हट जाओ। अगर इससे नीचे कोई बच्चा है, नहीं नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप शांति बनाए रखे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो जो हमारी कमेटियां है, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां है, हम खास पंचायत को मानने वाले लोग हैं। न हमारा ऑफिस बदला जाएगा, न हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं, वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली में करे, जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटिल्य तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले किले गाड़ी गई, अरे किले तो लाल किले के दीवार पर भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पर भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट, उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे खास पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। जो किले गाड़ी गई है, सोरम खास पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे। पूरे तख्ते को उखाड़ कर और आप खास पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खास पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं, हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे। आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई नहीं जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगी, अगर उस दिन आग गणतंत्र दिवस था, उनको तारीफ करने का काम करेगा। हम 35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से लड़ाइए, वही पार्लियामेंट से नहीं गया। लेकिन पहली बार अरे सोरम ने लगा क्या ठाक ठाक है, आप इस पंचायत का समर्थन करो और जो भी होगा सर आपसे बता दिया जाएगा। धीरे मोदी सभापति, मैं आए हुए
सभी